इंदौर जिला न्यायालय में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अभिभाषक, युवा अभिभाषक एवं इंदौर अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों के अलावा इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दिनेश गुरु पांडे एवं सचिव कपिल बिरथर, सहसचिव हरीश मंदावड़े, उपाध्यक्ष जितेंद्र नीम भी मौजूद थे। उक्त कार्यक्रम में सभी न्यायाधीशगण के अलावा समस्त न्यायिक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम का स्वागत भी किया गया। पूरे इंदौर जिला न्यायालय परिसर को अत्यंत मनमोहक तरीके से तिरंगे के रंगों में सजाया गया। इंदौर जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा राष्ट्र आजकल के रिपोर्टर चंद्रकांत उपाध्याय से बात करते हुए समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने बताया कि हम देश के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दिनेश गुरु पांडे और सचिव कपिल बिरथर एवं अन्य पदाधिकारीगण ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जा रहा है, हमारा विधि जगत भी इससे दूर नहीं है। हम न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारीगण जिस हर्षोल्लास के साथ आज जगह जगह झंडा बंधन और जिस तरीके से स्वागत, सम्मान, समारोह, इतनी सुंदर सजावट, दिलों में उत्साह, उमंग, निश्चित रूप से हम एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव निश्चित रूप से आज सार्थक हो रहा है। इंद्रदेव भी हम पर उतने ही मेहरबान हैं अपनी कृपा दृष्टि से। मैं सभी को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव निश्चित रूप से आज सार्थक हो रहा है। इंद्रदेव भी हम पर उतने ही मेहरबान है अपनी कृपा। हमारे बीच में जिला इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय दिनेश गुरु पांडे साहब भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी इस अमृत महोत्सव काल में दो शब्द कहने के लिए अनुग्रह करूंगा। आदरणीय पांडे साहब, इस अमृत महोत्सव के इस आयोजन में आज बहुत ही सभी देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामना और हमारे सभी अभिभाषक बंधु की ओर से सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। जय श्री राम। जिला इंदौर अभिभाषक के सचिव कपिल बिरथरे जी भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी अनुग्रह करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। अमृत महोत्सव पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम सभी अधिवक्ताओं के मध्य काफ़ी उत्साह का माहौल है। विशेष रूप से जो हमारे साथी लोग, जो सेनानी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया और हमें आज़ादी दिलाई, उसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। इंदौर अभिभाषक संघ पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत को अपनी ओर से शुभकामना प्रेषित करता है। हम साथ है, एक है। जय हिंद, जय भारत। मैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश आज आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। इंदौर जिला अभिभाषक संघ में भी इस पुनीत पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इंदौर अभिभाषक संघ के सदस्य एडवोकेट सचिन वर्मा हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। स्वराज के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज मानो साक्षात प्रकृति अपने आनंद में वातावरण से प्रकृति को एक आनंद में माहौल बना रही, क्योंकि अमृत जिस तरीके से बरस रहा है और आज जिला न्यायालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और अमृत के महोत्सव के बीच में हुआ, तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और माँ अहिल्या की नगरी में इस तरह का माहौल और पूरे देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, निस्संदेह ही बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, इस तरीके का जो दरमियान चल रहा है, बहुत ही मतलब इस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में देशभक्ति के प्रति, राष्ट्रहित के बारे में उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि आज़ादी में 75वें वर्ष में जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय उन्होंने क्या पाया, क्या खोया। और अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं निरंतर पूरे राष्ट्र में चल रहा है, निस्संदेह ही बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारी तरफ से पूरे राष्ट्र को अमृत महोत्सव 75वें अमृत महोत्सव के आज़ादी के वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं पूरे हिंदुस्तान से ये कहना चाहूँगा कि अमृत महोत्सव का पूरी तरीके से आज उसका लुत्फ उठाया जाए। जय हिंद, जय भारत। सचिन कुमार वर्मा। जय माता की, मातरम, मातरम, माता की जय। हमारे बीच में जिला इंदौर अभिभाषक संघ के सदस्य घनश्याम गुप्ता साहब भी उपस्थित थे। मैं उनसे भी संबंध में दो मिनट ये लगवा लूँ। हाँ। भारत माता की। आज जैसा कि सभी कार्य में देश उन्नति करता है, विकास करता है और हमारी मीडिया भी, आज मीडिया का एक चिन्ह आपको अगर पढ़ने को मिलेगा, राष्ट्र आज और कल,
देश को समर्पित, और ये हिंदुस्तान है, प्रत्येक देशवासी इस देश को समर्पित है, इस विकास को समर्पित है। भारत माता की जय। चुके हैं, इसकी भी ढेरों शुभकामनाएं, और इसी वर्ष मुझे 75वां साल लगा है। आप सभी वकील भाई बहनों सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और ढेरों शुभकामनाएं। आज जिला इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के न्यायालय में भी, न्यायालय परिसर में भी 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव 2022 को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं कैमरामैन SP गौड़ के साथ चंद्रकांत उपाध्याय, राष्ट्र आजकल। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।